मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा में ईरान तैयारे हादसे की तीसरी बरसी, लावाकीन का ईरानी हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि ईरानी हुकूमत के रवैये ने लोगों का दुख मजीद बढ़ा दिया। मेक्सिको सिटी में शुमाली अमरीकी ममालिक का इजलास, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत को फ़रोग देने के लिए इकदाम किए जाएंगे। कैनेडियन वजीर आजम की अमरीकी सदर से भी मुलाकात होगी। कैनेडियन हुकूमत शाम में कैद शहरियों को वापस लाने के लिए गैर संजीदा है। वकला का कहना है कि हुकूमत शहरियों की वापसी के लिए रुकावटें खड़ी कर रही है। हुकूमत ने शहरियों को वापस लाने के तरीक़ाकार की खिलाफवर्जी की है। रूस का रॉकेट हमले में 600 यूक्रेनी फौजियों को हलाक करने का दावा। यूक्रेनी हुक्काम ने रूस के दावे की तर्दीद कर दी। रूस का कहना है कि जिन दो इमारतों पर हमला किया गया वहां 1400 यूक्रेनी फौजी मुकीम थे। ताइवान के करीब चीन की एक माह में दूसरी मर्तबा फौजी मशकें। ताइवान के सदारती दफ्तर की जानिब से मशकों की शदीद मजम्मत। चीनी हुकाम का कहना था कि मशकों का मकसद ताइवान के इश्ताल अंगेजी कार्रवाइयों का पूरी तरह से मुकाबला करना था। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. ईरान में यूक्रेनी तैयारा हादसे में हलाक होने वालों के गमज़दा दोस्तों और लवाहिकीन ने ईरानी हुकूमत से इंसाफ और जवाबदेही का मुतालबा किया है। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। ईरान में यूक्रेन तैयारा हादसे में हलाक होने वालों के गमज़दा दोस्तों और लवाहिकीन ने ईरानी हुकूमत से इंसाफ और जवाबदही का मुतालबा किया है। इस हवाले से कनाडा भर में तकरीबात का इनेकाद किया गया। शुमाली टोरंटो में एक इंतहाई जज्बाती और सियासी तौर पर पुरजोश तकरीब में फ्लाइट PS752 के मुतासरीन की एसोसिएशन ने इस्लामी जमहूरिया ईरान की इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की बुलंद आवाज़ में मजम्मत करते हुए हादसे में हलाक होने वालों को याद किया। एसोसिएशन के सरबरा हमीद इस्माइलियन ने तकरीब के दौरान कहा कि हम मुतासरा ममालिक की हुकूमतों से तवक्को करते हैं कि वो हमारे साथ खड़े रहेंगे और दुनिया को ये दिखाएंगे कि इंसाफ सिर्फ सच्चाई के साथ ही मिल सकता है। हादसे में अपने प्यारों को खोने वाले लवाहिकीन ने रोते हुए इंसाफ का मुतालबा किया और तकरीबन 3 घंटे के प्रोग्राम में ईरानी हुकूमत पर शदीद तनकीद की, जहां ऑडिटोरियम में इंसाफ बराए ईरान और औरत जिंदगी आज़ादी के नारे मुसलसल गूंजते रहे। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो कई मौजज़ीन में से एक, जिन्होंने तकरीब से खिताब किया, इसी तरह के मौजूआत पर बात की। ट्रूडो ने गमजदा लवाहिकीन को मुखातिब करते हुए कहा कि ये सानहा ईरानी हुकूमत की इंसानी जानों को बेदरेख नज़रअंदाज करने की वजह से पेश आया। आपका गम ईरान के जवाबदेह होने के इनकार से बढ़ गया है। ट्रूडो ने सरकारी तकरीब से कबल मुतासरीन के खानदान के कुछ अफराद से मुख्तसर बात की, जिसमें म्यूजिकल परफॉर्मेंस और वीडियो प्रेजेंटेशन भी शामिल थी। कनाडा भर में ईरानी तैयारा हादसे की तीसरी बरसी के मौके पर 12 मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहरों का इनेकाद किया गया। यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का जेट लाइन्स यूक्रेन के रास्ते कनाडा जा रहा था और जनवरी 2020 में तेहरान से टेक ऑफ के फौरन बाद गिरकर तबाह हो गया। ट्रूडो ने इसे कबल जुमे के रोज़ गमजदा खानदान के अफराद से मुलाकात की और कहा कि कनाडा सच्चाई, इंसाफ और एहतसाब के लिए जद्दोजहद में अंथक जद्दोजहद करेगा।
शुमाली अमरीका के रहनुमाओं के समिट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत को तकवीत देने के लिए अमरीका फर्स्ट के नुक्ते नज़र का ख़तरा टल गया है। दीगर अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। मैक्सिको सिटी में सैफ अरीकी सरबराही इजलास के लिए नाम नहाद थ्री इमिगोज के इजलास के मौके पर शुमाली अमरीका के इसतराब पर यकसानियत, अमरीकी तहफ़ पसंदी, बर आज़मी तजारत पर मदाखलत, बेकायदा हजरत जैसे अवामिल ज़ेर बहस आने की तवक्को है। ताहम शुमाली अमरीका के रहनुमाओं के इस समिट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत को तकवीत देने के लिए अमरीका फर्स्ट के नुक्ते नज़र का ख़तरा टल गया है, जिसका बाइडन को US मैक्सिको सरहद पर हिजरत के बढ़ते हुए बहरान के बरक्स सामना है। माहरीन का कहना है कि इसका इम्कान ये है कि ट्रूडो को बाइडन की तवज्जो कैनेडा से मुतालिक मखसूस तशवीश के मामलों पर मबजूल करने के लिए अपनी आवाज़ थोड़ी बुलंद करने की ज़रूरत होगी। कनाडा को इतना ही मुतालिका होने की कोशिश करनी होगी जैसा कि वो रियासत हाय मुतहदा के साथ बातचीत में रहना चाहता है। इसका कोई खुदकार वजह नहीं है कि मैक्सिको के साथ कनाडा सबसे आगे है, लेकिन असल पेशरफ अहम मादियात की तरक्की को तेज़ करने वाली पॉलिसियों के लिए हकीकी अज़म के लिए कनाडा को अमरीका में अपना तासुर कायम करने के लिए बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से काम करना है। अमरीका के कौमी सलामती कौंसल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने तस्दीक की कि बाइडन और ट्रूडो सरबराह इजलास के बाज़ाब्ता एजेंडे के आगाज़ से कबल मंगल को अपनी दो तरफा मीटिंग करेंगे। जॉन कर्बी ने व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि कनाडा और मैक्सिको के साथ हमारी शराकत दारी, हमारी इक्तिसादी सलामती, खुशहाली, जमहूरी इस्तेहकाम और यकीनन नकल मकानी के इंतजाम के लिए अहम है। शुमाली अमरीका के रहनुमाओं का ये सरबराह इजलास हम सबको उन शराकत दारियों को मजबूत करने और शुमाली अमरीका के लिए मुश्तरका तरजीहात को आगे बढ़ाने का मौका फराहम करेगा। शुमाली शाम में ज़ेरे हिरासत उन कैनेडियन शहरियों के वकील जो कनाडा वापस जाना चाहते हैं, उनका कहना है कि वफाकी हुकूमत उस वक्त तक रुकावटें खड़ी करती रहेगी और फैसलों को तब्दील करती रहेगी जब तक कि इन्हें वतन वापस लाने का हुक्म ना दिया जाएगा। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। शुमाली शाम में ज़ेरे हिरासत उन कैनेडियन शहरियों के वकील जो कनाडा वापस जाना चाहते हैं का कहना है कि वफाकी हुकूमत इस वक्त तक रुकावटें खड़ी करती रहेगी और फैसलों को तब्दील करती रहेगी जब तक कि उन्हें वतन वापस लाने का हुक्म ना दिया जाए। कनाडा की फेडरल कोर्ट ने शाम में कैद 23 कैनेडियन शहरियों के अहले खाना की जानिब से चैलेंज में हतमी दलाइल सुने, जिनका कहना है कि कैनेडियन हुकूमत उनकी वापसी का इंतजाम ना करके चार्टर के हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। लॉरेंस ग्रैंसपॉन नज़रबंदों की नुमाइंदगी करने वाले वकला में से एक ने सवाल किया कि क्या अदालती हुक्म की अदम मौजूदगी में आलमी उमूर कनाडा पर इस मसले से मुनासिब तरीके से निमटने के लिए भरोसा किया जा सकता है। जो चीज नागुजीर है वो ये है कि हुकूमत रुकावटें खड़ी करती रहेगी, वो ताखीर करते रहेंगे। उन्होंने कहा वो बग़ैर इत्तला के खुफिया फ्रेमवर्क बनाना जारी रखेंगे और फिर आखिरी लम्हात में अपनी पोजीशन तब्दील कर लेंगे, यही नागुजीर है। जंग जदा इलाके में शिद्दत पसंद इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेउंड से दोबारा हासिल किए गए इलाकों में कुर्द फोर्सेस के जेरे इंतजाम शामी कैंपों में जेरे हिरासत कैनेडियन बहुत से गैर मुल्की शहरियों में शामिल हैं। वकला ने जुमे को इस बात पर जरह की कि आया दरख्वास्त दहिंदगान की तरफ से जमा कराए गए नए शवाहिद बशमूल अक्वामे मुतहदा के खसूसी नुमाइंदे का खत इस बात का तायुन करने में मुतालिका था कि आया जेरे हिरासत अफराद को वतन वापस भेजने का फैसला करते वक्त कनाडा ने तरीक़ाकार के इंसाफ की खिलाफ वर्जी की है। इस रिपोर्ट में इस बात की तफसीलात शामिल हैं कि कनाडा का खित्ते में कैद शहरियों को वतन वापस भेजने का रिकॉर्ड दूसरे ममालिक की कोशिशों से कैसे मवाजना करता है। कनाडा अपने 4 शहरियों को वतन वापस लाया है, कम अज कम 7 दीगर ममालिक अपने लोगों को वतन वापस लेकर गए हैं, जिनमें 659 इराक से और 58 फ्रांस से है, 17 ऑस्ट्रेलवी, 12 जर्मन, 40 डच, 38 रूसी और 2 बरतानवी भी वतन वापस पहुंच चुके हैं। वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी करने वाले वकला का कहना है कि शाम में हिरासत में लिए गए 4 मर्दों, 6 खवातीन और 13 बच्चों को नवंबर 2021 में खतो किताबत के जरिए बताया गया था कि वो गैर मामूली इमदाद हासिल करने के लिए ग्लोबल अफेयर्स कनाडा की पॉलिसी के फ्रेमवर्क की दहलीज पर क्यों नहीं पूरा उतरे। रूसी हुकाम के मुताबिक एक जवाबी कार्रवाई में यूक्रेनी फौज की 2 इमारतों पर रॉकेट हमला किया गया, जिसमें उनके 600 से जायद अहलकार हलाक हो गए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। रूस ने रॉकेट हमले में 600 से जायद यूक्रेनी फौजी मारने का दावा किया है। रूसी हुकाम के मुताबिक एक जवाबी कार्रवाई में यूक्रेनी फौज की 2 इमारतों पर रॉकेट हमला किया, जिसमें उनके 600 से जायद अहलकार हलाक हो गए। रूस के वजारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि यूक्रेन फौज की जानिब से डोनेस में फौजी बंकर्स पर हमले में हमारे नवासी अहलकारों की हलाकत का जवाब देने के लिए
यूक्रेन पर इंतकामी कार्रवाई की है। रूसी वजारत दिफा ने मजीद कहा कि क्रामातोर्स्क हमला माकोयोका में रूसी फौज पर यूक्रेनी हमले का जवाब है। रूस की वजारत दिफा ने यह दावा भी किया जिन इमारतों को निशाना बनाया उनमें मजमुई तौर पर 1400 यूक्रेनी फौजी मुकीम थे। बयान में मजीद कहा गया कि रॉकेट हमला यूक्रेनी फौज की दो इमारतों पर किया गया जिसमें उनके 600 अहलकार मारे गए। ये हमला इंतहाई काबिल एतमाद इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक फौरी तौर पर रूसी वजारत दिफा के इस दावे की तस्दीक ना हो सकी और यूक्रेन की जानिब से भी रूसी दावे पर फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया गया। चीन की फौज ने एक माह के दौरान दूसरी मरतबा ताइवान के गिर्द फौजी मशकें किए जिनमें जमीनी और समंदरी हमलों पर तवज्जो मरकूज की गई। दीगर अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। चीन की फौज ने एक माह के दौरान दूसरी मरतबा ताइवान के गिर्द फौजी मशकें की जिनमें जमीनी और समंदरी हमलों पर तवज्जो मरकूज की गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने अपने बयान में कहा कि चीनी अफवाज ने ताइवान के इर्द गिर्द समंदर और फिजाई हदूद में मुश्तरका जंगी मशकों का एहतमाम किया। ताइवान के वजीर दिफा के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान जजीरे के इर्द गिर्द 57 चीनी फौजी तैयारों और बहरिया के 4 जहाजों का पता लगाया गया है। कमांड के तर्जुमान सीनियर कर्नल शी यी ने एक मुख्तसर बयान में कहा कि मशकों का मकसद मुश्तरका जंगी सलाहियतों की जाँच करने समेत बैरूनी क़ुव्वतों और ताइवान की आज़ादी की अलहदगी पसंद क़ुव्वतों की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों का पूरी तरह से मुकाबला करना था। ताइवान के सदारती दफ्तर ने मशकों की शदीद मुज़म्मत करते हुए कहा है कि चीन बेबुनियाद इल्जामात लगा रहा है। ताइवान का मौकफ बिल्कुल वाज़ह है जिसमें वो ना तो तनाजात को बढ़ाएगा और ना ही तनाजात को हवा देगा बल्कि अपनी खुद मुख्तारी और सलामती का मजबूती से दिफा करेगा। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।